हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सीटेट 2015 फरवरी के मैथमेटिक्स के पेपर को डिस्कस करूंगा और साथ में देखेंगे कि उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ क्या आंसर आता है। यार दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सही चीज़ और सही समय पर अगर लोगों तक पहुँच जाए तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मेरा जो मिशन है इस बार का कि सबका भाई 130 प्लस मार्क्स आए, वो तभी पूरा होगा जब ये वीडियो सब तक पहुँचेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को जोड़िए इस वीडियो से। यार देखिए, मैं कोई भी फालतू की वीडियो नहीं डालता हूँ, जो भी वीडियो डालता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ डालता हूँ। तो यार ये भी वीडियो जो है वो बिल्कुल अच्छी वीडियो है, क्योंकि इसमें ऑफिशियल आंसर की है, तो आपका एक मिनट का सदुपयोग होगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने वीडियो पर और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पेपर है वो 2015 का है और बुकलेट कोड जो है वो सी है। तो इसका पिछला वीडियो मैंने डाल दिया है CDP का, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा कर के। और आज हम गणित के पेपर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो पहला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाऊँगा, क्योंकि वो बोर्ड पर सॉल्व करवाया जाएगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट करिएगा कि सर इस वाले पेपर का आप नंबर बता दीजिएगा, वो क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो मैं उसे अलग से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 32। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, या तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। आप इस प्रश्न को करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए और सही आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पॉज करके इसका सही आंसर दे दिया होगा। अब बारी है आपके आंसर को चेक करने की, तो मैं इसका ऑफिशियल सही आंसर आपको दिखाने जा रहा हूँ। और देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 32 का सेकेंड ऑप्शन सही है। तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, तो यही इसका सही आंसर होगा। आई होप आपने सही टिक किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसे लगा लेंगे। नहीं अगर लग पाता है, नहीं सॉल्व हो पाता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं सचमुच इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक रिविज़न की तरह है, तो आप लोग इसको अच्छे से करिए और क्वेश्चन अपने मार्क्स करिए और सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली में संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। तो सबसे बड़ी बात है कि आप पहले क्वेश्चन को समझिए। मैंने तो फटाफट पढ़ दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। तो आप पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद आंसर दीजिए और फिर मैं आपको उसका सही आंसर दिखाने जा रहा हूँ। फिर आप चेक करिए कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये सही आंसर होगा। आई होप आपने सही टिक किया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा और इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद इसको फिर से कहीं से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो वीडियो पॉज करके आप लोग सही आंसर दीजिए, मैं आपको सही आंसर दिखाने जा रहा हूँ। और 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। और हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 36।
प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशलों के संवर्धन में और मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए, फिर सही आंसर दीजिए, मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो देख पा रहे हैं दोस्तों 36 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन टिक किया होगा तो वो सही होगा, और नहीं तो फिर आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान, समझ या बोध, रचना या सृजन या अनुप्रयोग। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पक्का पता होगा। फिलहाल इसका सही आंसर जो है वो ये है, देख पा रहे हैं जो 37 है उसका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि रचना और सृजन, ये इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना या उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा, तो सही ऑप्शन आप टिक करिए, मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 38 का सेकंड ऑप्शन सही है, और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये कि उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। तो आई होप आपने इसका सही उत्तर दिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है आपसे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर 39 क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं इसे आपको ज़रूर से बता दूंगा। लेकिन आप अपने से कोशिश ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अब चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मेंसुरेशन पे आधारित है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप इसे सॉल्व करके इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की तो भी बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पर भरोसा करिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशल का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो इसका सही जवाब आपके पास होगा, क्वेश्चन तो आसान है, आई होप आपने दे दिया होगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही जवाब आयोग ने क्या माना है। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों 41 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि जो आपका संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है ये NCF 2005 के अनुसार बिल्कुल सही बात है। तो आई होप आपने इसको सही से पढ़ा होगा NCF 2005, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल एकदम पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे। 42 भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन बेस्ड है, आप लोग इसे कर लेंगे मुझे उम्मीद है, करने की कोशिश करिएगा और सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमाणात्मक व्यवस्था या विभाजनात्मक अवस्था। तो ये थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए इन सब अवस्थाओं के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो देखने के बाद इन सब अवस्थाओं को लिख लीजिए और देख लीजिएगा, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि 43 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका संक्रियात्मक अवस्था में वह अवस्था है जिसमें वो बच्चा सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है। ठीक है, तो
आई होप आपने सही आंसर दिया होगा, नहीं दिया है तो आप इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आसान होगा। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह मल्टीप्लाई से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास, विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना या गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। तो शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। चलिए देख लेते हैं आपका आंसर कितना सही है। तो यहाँ से 44 का सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है और जो सेकंड ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर एक रूप में एक पाठ का विकास, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है अध्यापिका। तो आपने सही आंसर दिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्चा के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन कन्फ्यूजिंग हैं। आई होप आपने उन दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन पहचान लिया होगा और उत्तर दे दिया होगा। मैं आपको इसका सही आंसर दिखाता हूँ। तो 46 का भाई थर्ड ऑप्शन सही होने वाला है और जो थर्ड ऑप्शन है वो ये कि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। तो आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, गणित में गणना के कौशल तथा गति, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। तो इसका सही आंसर आप दीजिए। थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यकीन मानिए दोस्तों। सही ऑप्शन आप दीजिए, मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। तो भाई 47 का भी थर्ड ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? गणित में गणना के कौशल तथा गति, यही इसका सही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर निहित है। सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है बताता हूँ। तो 48 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है और जो फोर्थ ऑप्शन है कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आई होप आपने इसका सही उत्तर दिया होगा। अब बढ़ते हैं 49 पे। एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या फिर गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो क्या होने वाला है इसका सही जवाब आपको मैं बताता हूँ, लेकिन आप अपने से पहले बता दीजिए। तो 49 का भाई सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है। क्या आपने भी सेकंड टिक किया है? यानी कि एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए इसका सही आंसर है। उम्मीद है आपने सही उत्तर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्नलिखित
विशेषता प्रदर्शित करता है। परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। तो अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आई होप आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन थर्ड है, सी, जो है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, इसका सही आंसर है। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है दैनिक जीवन चर्चा में बदलाव लाना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना या फिर विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। सही जवाब दीजिए दोस्तों। मैं बताता हूँ इसका सही जवाब। देख पा रहे हैं दोस्तों, 51 का थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, इसका सही आंसर है। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। देखिए, कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं, उनके अंक दिए हुए हैं। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हैं। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों को द्वारा प्राप्त अंकों का औसत एक सा है। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें आपको सभी का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है और उसके बाद ही आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। और 53 भी आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बच्चों वाला। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 54 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और इसका सही जवाब भी आप बड़े आसानी से दे सकते हैं, प्लीज़ इसका सही जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। 55 भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसका भी सही जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरीके से 56 का भी आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 57 का भी जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और 58 भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करिए। जबकि 59 भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करनी है। और क्वेश्चन नंबर 60 भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए हैं वो सब आपको करना है, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं अपने आंसर्स। और आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मैथ के जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन थे 2015 के, सब मैंने आपको बता दिया, उनकी ऑफिशियल आंसर की से आपको आंसर बता दिया। अब आपके मन में जितने भी डाउट थे इन सब प्रश्नों को लेकर के वो हट गए होंगे। आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा ये भी आपको पता चल गया होगा कि आपने सही पढ़ा था या गलत पढ़ा था, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट के पूरे क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, साथ में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मैथ में। बाय बाय, टेक केयर।